मामला अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था कि राजनीतिक पार्टियों ने पुलवामा हमले को सियासी रंग देना चालू कर दिया है। नमस्कार, मैं दीपक पाल आपका स्वागत करता हूं HCN न्यूज में। पुलवामा हमले के बाद राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती और सारा देश मौजूदा सरकार के साथ खड़ा है और सभी विपक्षी पार्टियां भी। बता दें कि महागठबंधन के बाद विपक्ष की सभी पार्टियां एक साथ दिखी थी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। वही राहुल गांधी के बयान के बाद भी विपक्ष का समर्थन मोदी सरकार के साथ सिर्फ नाम के लिए ही है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जहां मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को बुलेट ट्रेन की नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ की जरूरत है, वहीं आज ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार को कहा कि पठानकोट से लेकर पुलवामा हमले तक मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की। साथ ही उन्होंने बीजेपी और RSS पर दंगा फैलाने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें, हावड़ा में TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा पुलवामा हमले के बाद सरकार कार्रवाई करे, लेकिन बीजेपी और RSS को दंगा फैलाने का मौका नहीं देना चाहिए। कुछ लोग देश प्रेम के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक साजिश के तहत हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। बनर्जी ने यह भी कहा कि पुलवामा में जिस काफिले पर हमला हुआ उसमें काफी संख्या में जवानों की गाड़ी थी, जबकि इस मामले के बारे में खुफिया रिपोर्ट को पहले ही जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी ये हमला क्यों हुआ। एक के बाद एक सवाल के बाद ममता ने पूछा कि हमले के बाद सुरक्षा जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पठानकोट से लेकर पुलवामा तक सरकार ने क्या कदम उठाए, हम नहीं बल्कि सारा देश ही जानना चाहता है। जानकारी इस बात की भी है कि इससे पहले अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, इस हमले में इंटेलिजेंस फेल कैसे हुई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार को सबसे पहले इंटेलिजेंस को काबिल बनाना होगा। वही ममता ने इसी सवाल को बीजेपी से थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा कि इतना बड़ा जो हमला हुआ है आखिर इसकी भरपाई कैसे होगी। अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि देश में लोकसभा चुनाव भी होना है, सीमाओं को सुरक्षित भी करना है और देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है, ना कि चुनाव। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए सवाल किया कि सरकार बताए कि वो क्या कर रही है। क्या ये भी उनका कहना है कि अगर सभी सियासी पार्टी ने अपना काम रोका है तो सत्ताधारी पार्टी को भी सारा कार्यक्रम रोक कर सुरक्षा के लिए रणनीति बनानी चाहिए, ना कि बेशर्मों की तरह जगह जगह जाकर रैलियां करे। दर्शकों से हमारा सवाल ये है कि जब से अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर प्रयागराज जाने से रोका गया है, तब से अखिलेश यादव चिड़े हुए हैं या फिर सीधे सीधे बीजेपी पर तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।